आजमी और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जहां हम बात करते हैं उन मुसलमान नेताओं की जिनके राजनीतिक सफर की कहानी कुछ खास रही है। तो आज हम बात करेंगे गुलाम नबी आजाद की जिनकी पहचान राजनीति में उनकी वफादारी से होती है। विपक्ष के सबसे मजबूत चेहरे के रूप में भी वो सरकार की आलोचना करने में मुखर दिखाई देते हैं। कांग्रेस में से ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो नेहरू गांधी परिवार पर पड़ने वाली किसी भी परेशानी के समय साथ खड़े दिखाई देते हैं। उन्हीं नेताओं में से हैं राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आजाद। चाहे बात तेलंगाना मुद्दे की हो या फिर अन्य दूसरे जटिल मुद्दों की, कांग्रेस के आलाकमान अन्य नेताओं की अपेक्षा गुलाम नबी आजाद पर अधिक भरोसा करते हैं। आजाद पार्टी का वो चेहरा है जिन्होंने हमेशा कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी पार्टी को एकजुट करने का काम किया है। गुलाम नबी आजाद के जीवन की बात करें तो कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के डोडा जिले से नाता रखने वाले नेता हैं। गुलाम नबी आजाद का जन्म 7 मार्च 1949 को हुआ। उनके पिता का नाम रहमतुल्ला था। गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय प्राणी विज्ञान में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। गुलाम नबी आजाद ने साल 1980 में कश्मीर की एक लोकप्रिय प्रतिष्ठित गायिका शमीन देव आजाद के साथ विवाह किया। उनके परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं। वहीं गुलाम नबी आजाद के राजनीतिक सफर की कहानी थोड़ी लंबी जरूर है। आज आजाद कांग्रेस के लिए एक उपयुक्त शख्सियत हैं। राज्यसभा सदस्य गुलाम नबी आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक तेज तर्रार नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। ये एक ऐसे नेता हैं जिनका ध्यान अपने मंत्रालय पे कम और उन समस्याओं को निपटाने में ज्यादा होता है जो किसी वजह से सरकार के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। किस घटक दल को अपने साथ जोड़ना है, किसे मनाना है, जैसे मसलों पर कांग्रेस के लिए गुलाम नबी आजाद एक काबिलियत से भरपूर शख्सियत हैं। हालांकि अपने बयानों की वजह से उन्हें विपक्षी दलों की आलोचना का सामना भी करना पड़ता रहा है। गुलाम नबी आजाद ने साल 1973 में राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लिया और वर्ष 1973 से साल 1975 तक गुलाम नबी आजाद बिलेसा से कमेटी कांग्रेस के ब्लॉक सचिव रहे। साल 1975 में गुलाम नबी आजाद को जम्मू एवं कश्मीर के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। हालांकि गुलाम नबी आजाद को डोडा जिले की कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया और बाद में वो अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के महासचिव पद पर नियुक्त हुए। इसके अलावा गुलाम नबी आजाद साल 1978 से 1981 तक ऑल इंडिया मुस्लिम यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और साल 1996 में वो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य बने। साथ ही 1987 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव के रूप में नियुक्त किए गए। गुलाम नबी आजाद को 9 बार महासचिव के पद के लिए मनोनीत किया गया था। साल 1982 में गुलाम नबी आजाद ने कंपनी के मामलों और कानून के केंद्रीय उप मंत्री का पदभार संभाला और बाद में उसी मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में स्थानांतरित किए गए। साल 1985 में गुलाम नबी आजाद वाशिम निर्वाचन क्षेत्र से पुनः निर्वाचित हुए थे। बाद में वो गृह मंत्रालय और पोर्टफोलियो के पद से स्थानांतरित होकर खाद्य और नागरिक आपूर्ति के राज्य मंत्री के पद पर आसीन हुए। साल 1990 में गुलाम नबी आजाद राज्यसभा के सदस्य बने और अगले साल गुलाम नबी आजाद को संसदीय कार्य के लिए कैबिनेट मंत्री के रूप में पीवी नरसिम्हा राव ने मंत्रालय में शामिल किया और बाद में उन्हें पर्यटन और नागरिक उद्यम मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया। साल 2002 में JKPCC के अध्यक्ष के रूप में उनके मार्गदर्शन में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में 21 सीटों पर चुनाव की जीत हासिल की। विधानसभा में दूसरी बार सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भी कांग्रेस उभरी। गुलाम नबी आजाद वर्तमान में UPA सरकार में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अधीन शहरी विकास और कानून एवं संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री थे। गुलाम नबी आजाद ने जम्मू और कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा दे दिया था। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के श्री GM सादिक और सैयद मीर कासिम के बाद तीसरे मुख्यमंत्री हैं। इसमें कोई शक नहीं कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के कुशल राजनेता हैं। वर्ष 1973 में कांग्रेस के सदस्य के तौर पर अपना राजनीतिक करियर शुरू करने वाले गुलाम नबी आजाद ने मंत्री के रूप में कई केंद्रीय मंत्रालय संभाले जिसमें पर्यटन, नागरिक उद्यान और संसदीय मंत्रालय शामिल है। गुलाम नबी आजाद के जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष पद पर रहते हुए कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में 21 सीटों पर जीत हासिल हुई जिसके बाद वो प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी राजनीति पार्टी बनकर उभरी। गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो आज हमने बात की गुलाम नबी आजाद के राजनीतिक सफर के बारे में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।